प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाज़रीन, शराब को मुसलमान हराम समझते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी इसकी ममानत फरमाई है और इस हद तक ममानत फरमाई है कि इसको हराम करार दिया गया है। लेकिन हमारे मुआशरे में शराब नोशी और इसके साथ साथ शराब बनाने वाली मुतादित फैक्ट्रीज भी काम करती हैं और ऐसे भी नाकबत अंदेश लोग हैं जो ये शराब फरोख्त करते हैं और कुछ इस हद तक गिर जाते हैं कि शराब को चेक किए बिना जहरीली बनाकर लोगों में फरोख्त करते हैं। शुमाली छावनी के इलाके में जैन नामी शख्स शराब फरोख्त करता है और शराब का डीलर है। अहलियाने इलाका के मुताबिक और खसूसन मकतूल के वालदैन के मुताबिक जैन से ली गई शराब जहरीली थी जिसे पीकर उनका बेटा चल बसा। जहरीली शराब पीकर जांबहक होने वाला मकतूल कंटोनमेंट बोर्ड का मुलाजिम था और जैन से उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे थे। घर वालों को इस पर तफ्तीश भी थी और मुतअद्दिद बार उसको मना भी किया गया था। फिर एक दिन जैन उसको बुलाकर अपने साथ ले गया लेकिन उसके बाद वापस ना आया। मेरे बेटे नु घरों बुला के ले गया है, उन्हें मियां मिल जाके उन्हें मार के सुटता है। सानू कोई खबर नहीं कि साडा पुत्र मर गया है कि जिंदा है। असी जनाब इथों मियां मीर तो लाश लैके हुंदी आए हां। बस दी मां बोलदी आ मेरे बेटे नु घरों लैके गया है, गुटोला फड़ के ठा के लैके गया है। बस सारे ने वेखे होया है, एक बेटा उदा 10 साल दा, शराब बेचता है, सारे नु पियादा है, जहर जहर पियादा है, जहर देता है सारे नु। मैं शबाज भाई की भाभी हूँ और शबाज भाई बहुत अच्छे थे। जब ये सुबह लेके गए हैं तो मेरे सामने लेके गए, मैं उधर मौजूद थी जब ये लेके गए हैं। ये कह रहे कि तुम्हारा इंस्पेक्टर आया, चलो उठो। भाई सो रहे थे, भाई उठे हैं तो ये जबरदस्ती भाई को लेके गया है। भाई ने कहा मैंने नहीं जाना, ये कह रहे नहीं मेरे साथ चलो। तो भाई फिर गए हैं तो बाद में ये भाई को ना कह रहे कि किसी फौतकी पे जाना, ये भाई को उधर ले गए। बाद में ये फौत हो गए, भाई हमारे घर आए हैं, उसके बाद कुछ पता नहीं कैसे फौत हुए। ये बहुत जहरीली इन्होंने शराब पिलाई भाई को। शहबाज के अहल खाना के मुताबिक जैन और उसके वालिद काफ़ी अरसे से शराब का कारोबार करते हैं और जैन के हाथ काफ़ी लंबे हैं जिसकी वजह से उसके आगे कोई नहीं बोलता और ना ही कानूनी इदारों में जाकर उसके खिलाफ कोई शिकायत करता है। इत्थे शराब बेचदा जहरीली, जहरीली शराब बनाउंदे ने, ओ शराब इत्थे बेचदा। मैनू पुलिस वाले ने कोई इंसाफ नहीं दिता, पुलिस वाले ने धक्के मार के मैनू बाहर कर दिता है कि ना बाबा तेरी दरखास्त लैनी, ना तेरा मैं केस बनना ही, जा जिथे मर्जी धक्के खांदा। फिर बंदे सारे पींदे खांदे मरदे पैने, एडी जहरीली शराब देता वे। मेरी नोड़ में मरिया मेरा बेटा, मेरी नोड़ उथो रह उथो फोन कीता, सेहत तो फोन कीता कि अम्मी बेटा शबाज मार दिता है। असी उथे पिया मिल गया, उथो जनाजा चुके लै गए आए उहदा। फिर थाने गया, थाने ने सुनाई नहीं दिती, कोई सुने नहीं थाने दाल साड़ी। सानू साफ चाहिदा है। मैं कि पप्पू बेटा ये शराब डांडा जहरीली तो जहरीली पियाते हैं ये जैन जो है। सानू तो पता चला फोन दे उत्ते पे मुंडा जो ना फौत हो चुका है।
शहबाज के अहल खाना के मुताबिक उन्होंने कई बार एप्लीकेशन भी दी और थाने भी गए, लेकिन उनकी किसी एप्लीकेशन पर कोई अमल दरामद ना हुआ क्योंकि जैन बा असर आदमी था। जैन वल्द बिन्यामीन ये शराब बेचते ने, तिने प्यो पुत्र जरीली तो जरीली शराब बेचते ने, इन्हें साड़ी किसे पासे इंसाफ की अपील नहीं होन दिती, ना इनू पुलिस ने फड़िया जे, ना पुलिस ने इनू किसे पासे लगाई है, ये दस दिन घरों भजा रहा जे, साडे घर च आया जे, सामने खलोता है कि तेरा इंस्पैक्टर बाहर बुलाउंदा पिया, चल मेरे नाल, उनू घरों फड़ के गुटो लैके गया है जैन जी, जैन लैके गया उनू घरों लैके गया, मैं उनू पुछया जैन की गल है, कहिंदा है बाबा जी इंदा इंस्पैक्टर आया है, वो इंस्पैक्टर बाहर बुलाउंदा है, इनू लैके जिसले जहरीली शराब पिया के बेहोश करके, सानू कोई पता नहीं जी इनू मारते कुटते रहे ने, सानू कोई पता नहीं की करते रहे ने की नहीं। और भाई के पास ना 21,500 रुपया तनख्वाह भी थी, वही इन्होंने ले लिए, जेब में से निकाल ली भाई की। जैन ने मारा भाई, जैन बहुत शरीली शराब पिला के सबको मारता है, इधर भी 2-3 बंदे फोत हुए हैं, तो वो डरते मारे किसी ने बात ही नहीं की। तो मैं इंसाफ भाई चाहिए, भाई बहुत ही अच्छे थे, हमें तो पता नहीं था भाई फोत हो जाएंगे, भाई कुछ बीमार नहीं थे, कोई कुछ नहीं था भाई को, इन्होंने शराब से भाई को मारा है, जबरदस्ती भाई को मारा इन्होंने, भाई ने कहा मैंने नई शराब पीनी, इन्होंने जान के पिलाई, जबरदस्ती पिलाई है। तो जैन हर किसी को शराब पिला पिला के मारता है। जिस तरह जहरीली शराब जहर बेचन दिया है, एक खरबपति बंदा है, 6-7 करोड़ रुपये दी इंदो को प्रॉपर्टी है, कितों आई है, जहरीली शराब ही बेच बेच के बनाई जे ने। मैं हाथ जोड़ के अपील करना है ना अगे मीडिया अगे के मेरी सुनवाई की जाए। कोई तलब आदमी साडा हैगा इहदे नाल, मेरा वोट सरकारी सरकारी वोट च लगा सी, हां जी कड़ी वोट च लगा सी, फिर मारता सर जी इन्होंने, पुलिस से गया, कोई पुलिस ने साड़ी सुनी नहीं, धक्के मार के सानू बाहर कर दिता। ये सर जी मेरा ख्याल 15-16 साल तो वेचन दिया जे, ये 15-16 साल तो ये पुलिस आउंदी है, इन्हां कोलों पैसे लैके जांदी है, सानू नहीं पता है की देंदे ने पुलिस वालिआं नूं, की लैंदे ने, एक घंटा फड़वा के आने दूसरे घंटे बाद छुट्टा हुंदा जे, सानू कोई किते इंसाफ नहीं मिलिआ, ना रेस कोर थाने ना सदर थाने च, मैनू धक्के मार के ना बाहर कढ दिता है के बाबा जा भाजा जिथे तक जोर लगता ही ला के वेख ला, इन्दे 10-12 परचे मेरे कोल ने, ए जनाब मेरी ए फिर छुट के आ जांदा है। साडा कोई तलक नहीं जी, महलेदारी है, असी अंदर रहने, वो बाहर मेन रोड ते रहिंदा है, साडा कोई तलक नहीं होंदे ना। मेरी नूह ने सिंधो फोन किया कि अबा काका मर गया जे, ते भज्जो, असी फिर दवा बस्सी साधन शाह गए, उथों जाके जनाया चुके लिया जी, ये उन्हें चिकर गड्डी ते पा गड्डी ते अपना बोर गया बिस्तरा वलेड़ के शराब वलेड़ के ये भज गए ने जी। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੋਰ ਮਰੇ ਨੇ,
ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰ ਜੀ ਆਪਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲਾਲਾ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ। ਤਾਰਕ ਬਾਜਵਾ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਬੁੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਪੀਲੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਨ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਦਵਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬੋਤੇ ਮਾਰਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ। ਬਸ ਕਾ ਭਾਈ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੈਨ ਘਰੋਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਦੋ ਤਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧਰੂ ਕੇ ਲਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਦਨ ਸ਼ਾਹ ਬਸਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸੇ ਭੱਜੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਿਆਲੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡਿਆਲੋ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਡੈਥ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਰੱਖਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ, ਜੀ ਭੱਜ ਆ ਜ਼ੈਨ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਦੇ ਰੱਖਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਰੱਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਸੋ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ? ਨਾਨੂ ਕੇ ਪਾਸ। ਤੋ ਕਿਸਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਤਾਇਆ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ? ਮਾਸੋ ਕੋ, ਮਾਸੋ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਆਏ? ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਕੋ ਦੇਖਾ? ਜੀ। ਪਾਪਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਥੇ? ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ਬਾਦ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕੇ ਗਈ ਥੀ ਘਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਥੀ ਔਰ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ 11 ਸਾਲ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਜ਼ੈਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਯੇ ਵੀ ਮੁਝੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਜ਼ੈਨ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਘਰ ਮੇਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਥਾ, ਯੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸੇ ਲੇ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਔਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਖੂਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੇ ਘਰ ਗਈ ਥੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਥੀ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਸ਼ੈਦਨ ਸ਼ਾਹ ਬਸਤੀ, ਉਸਕੇ ਘਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਕਹੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੈਂਕ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਕੇ ਲਈ ਗਏ ਥੇ ਦੁਕਾਨ ਪੇ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੰਮਾ ਵੋ ਨਾ ਅੰਕਲ ਬਾਹਰ ਗਿਰੇ ਪੜੇ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਵੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਭਾਗ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ,
और उस वो जल्दी से हॉस्पिटल ले गए उसे उठा के।